अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा विद कुकिंग। आज मैं आपको खजूर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में बन जाता है और बच्चे और बड़े से बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर अचानक मेहमान आ जाएँ तो मीठे में जल्दी से ये तैयार हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं जो इन्ग्रीडियंट्स इसमें यूज़ होंगे। खजूर होगी एक पाव, शुगर 2 टीस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टीस्पून, एक अदद अंडा, बटर 2 टीस्पून और बादाम कटे हुए हसबे ज़रूरत। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ जी, मीडियम आंच पे हमने पैन रखा है, इसमें हम 2 चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। ये जैसे ही मेल्ट होगा इसमें हम खजूरें डाल देंगे। मक्खन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खजूरें डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे पकाएंगे उस वक्त तक जब तक के ये पेस्ट की शक्ल ना इख्तियार कर लें। इस हलवे के लिए सॉफ्ट वाली खजूर जो है वो इस्तेमाल होती है ताकि जल्दी बन जाए। ये देखें, ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें भी। फ्रेश क्रीम हम इसमें डालेंगे, चीनी डालेंगे 2 चम्मच और इसे हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। जी तो ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल तैयार कर गया है। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे। जी ये पेस्ट देखें ठंडा हो चुका है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि अंडा इसमें हम ऐड करेंगे, अंडा ऐड करने से फौरन पके ना, इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। अब इसमें हम अंडा डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे धीमी आंच पे फिर से बनाएंगे। हल्की आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इसमें हम इसको हम डिश में निकालेंगे और फिर इस पर बादाम से गार्निश करेंगे। हाँ जी, ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत कम टाइम में बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। और अब हम इसे डिश में निकालेंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे डिश में निकालेंगे और फिर इसे टुकड़ों में काट लेंगे। जी इसे हम डिश में निकालेंगे। डिश में निकालने से पहले डिश को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि इसके साथ ना चिपके। और अब हम ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, इसको इसमें निकाल देंगे और इसमें अच्छी तरह इसको फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम बादाम डाल देंगे कटे हुए। होने के लिए जी ये देखें, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ठंडा हो गया तो फिर हम इसे टुकड़ों में काट के निकाल लेंगे। जी खजूर का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही लजीज और मज़े का है, बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत कम टाइम में आप बनाकर किसी के सामने भी सर्व कर सकते हैं। इसे चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ जब किसी को पेश किया जाता है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।